अगला हमारा कार्य पत्रक है 13, पहल हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए दक्षता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति चित्र बनाना। अपनी पसंद के फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ पर आपको कोई भी फूल का रंग फूल बनाना है, चाहे गुलाब का बनाओ चाहे कमल का बनाओ, उसमें आपको कलर करना है। ये कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भी दो नंबर प्रश्न भी इस प्रकार है, अपनी पसंद के पक्षी का चित्र बनाइए, रंग बनाइए। इस प्रकार आप पैरेट बना सकते हो, कोई कॉक मुर्गा या मुर्गी का चित्र बना सकते हो, पिकॉक बना सकते हो। आपको एक पक्षी का चित्र बनाना है और उसमें कलर भरना है। नेक्स्ट कार्यपत्र देखिए भी, अगला कार्यपत्र है 14। इसमें चित्रों की सूक्ष्म व प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ बना पाना। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 देखिए भी क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया है गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। जैसे यहाँ पर ये जो आइसक्रीम है ये गर्मियों में इस्तेमाल होती है, काम में ली जाती है, तो यहाँ पर क्या अभी राइट का मार्क लगा हुआ है। ये पंखा है, फैन गर्मियों में काम आता है, सर्दियों में काम आता है। अपने गर्मी के मौसम की बात की गई है, ये भी काम आता है, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर एक आइसक्रीम दिखाई गई है, ये गर्मियों में आती है, सर्दियों में काम आती है, गर्मियों में आती है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अभी राइट का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक स्वेटर दी गई है, स्वेटर हम सर्दियों में पहनते हैं, तो यहाँ पर हम राइट का मार्क नहीं लगाएंगे। फिर नीचे क्या दिया गया, अभी एक तरबूज दिया गया, तरबूज गर्मियों में आता है सर्दियों में आता है, गर्मियों में आता है, ठंडक प्रदान करता है, इसके लगाओ। यहाँ पर क्या, अभी एक टोपी दिखाई गई है जो कि गर्म है, ये सर्दियों में काम आती है, यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 है, इसमें नीचे दिए गए विभिन्न जीवों में से कौन कौन से उड़ते हैं, जो उड़ते हैं वो पक्षी हैं। उड़ने वाले के खाने में राइट का मार्क लगाएं, अन्य खाने में क्रॉस का निशान लगाएं। अगली बार हमको क्रॉस भी लगाना है, पिछली बार हमको उसने निर्देश नहीं दिए थे, हमने कुछ नहीं लगाया था। जैसे यहाँ पर जो गधा है वो एक जानवर है, उड़ नहीं सकता, पक्षी है उड़ सकता है, यहाँ पर राइट मार्क लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या भी है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी उड़ती है, तो राइट मार्क लगाएंगे। कुत्ता एक जानवर है, नहीं उड़ता है। तोता पैरट एक पक्षी है, उड़ता है, तो यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। चिड़िया एक यहाँ उड़ती है, तो क्या लगाएंगे, भी राइट मार्क लगेंगे। जैसे जहाज है, एरोप्लेन उड़ती है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, भी राइट मार्क लगाएंगे। पर याद रखना यहाँ जीव में से कौन से उड़ते हैं, उड़ने वाले खाने में लगाइए। अब ये जीव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस भी नहीं लगाएंगे या लगा सकते हैं, ये एक शोचनीय विषय है। इसने जियो की बात करी है तो इसको हम एक बार खाली रख सकते हैं। उड़ता तो है ये, परंतु ये जियो नहीं है। क्या नहीं, अभी जियो नहीं है। तो यहाँ पर दिया उड़ने वाले खाने में, तब आप राइट मार्क लगाएंगे। पतंग है वो जियो नहीं है परंतु उड़ता है, यहाँ राइट मार्क लगा सकते हैं इसके हिसाब से। जो बतख है वो उड़ सकती है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अभी राइट मार्क लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।